अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉर्मल। देखिए नॉर्मल जो टॉपिक है ना, ये सबसे ज़्यादा आपको परेशान करेगा पैराबोला में। अगर आप नॉर्मल के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला टॉपिक नॉर्मल ही होगा, ठीक है ना। नॉर्मल ऐसा, नॉर्मल जब भी आप क्वेश्चंस में देखोगे ना, तो आप ऐसे समझ ऐसे लगेगा कि जैसे मुझे तो नॉर्मल के बारे में कुछ नहीं आता है। लेकिन नॉर्मल है ना, हमेशा याद रखना है कि नॉर्मल एक लाइन है, और एक लाइन को फाइंड करने के लिए बहुत सारे हमने तरीके पढ़ रखे हैं। टू पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, जनरल फॉर्म, ठीक है ना, बहुत सारे मेथड हमने पढ़ रखे हैं ना लाइन को। तो हमेशा नॉर्मल के बारे में ये याद रखना है, कभी भी नॉर्मल के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें, कभी भी हम नॉर्मल से रिलेटेड किसी कॉन्सेप्ट को हम अगर बुक से पढ़ रहे हैं, तो हमेशा याद रखना है नॉर्मल एक लाइन होता है। अब इस लाइन को नॉर्मल क्यों कहा गया है, आखिर इसमें क्या खास बात है कि अलग लाइन से इसे एक नया नाम दिया गया है, दैट इज नॉर्मल, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है नॉर्मल के लिए, आपको जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे ध्यान देना है। देखिए मान लीजिए आपके पास एक पैराबोला है, ठीक है ना, ये हमारा पैराबोला है, और इस पर हमने एक टेंजेंट बना दिया, और ये टेंजेंट जो है हमारा पॉइंट पी पे, पैराबोला जो लाइन है टेंजेंट को पॉइंट पी पे मीट कर रहा है, और ये पॉइंट अगर हम मान लेते हैं ए टी स्क्वायर 280, ठीक है ना। तो ये क्या था हमारा टेंजेंट था, ये क्या था हमारा टेंजेंट। तो अब हम लोग नॉर्मल के बारे में इंफॉर्मेशन लेना इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो नॉर्मल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन होता है, नॉर्मल हम उसे कहते हैं। किसी भी कर्व पे अगर नॉर्मल अगर हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है उस कर्व पे जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट नॉर्मल बनाना है, उस पॉइंट पे पहले हमें टेंजेंट बनाना पड़ता है, और उस टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन हमारा नॉर्मल होता है। तो ये लाइन मान लेते हैं, ये ना हमारा परपेंडिकुलर है टेंजेंट से, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए वहां पे जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि सर्कल में जब हमने नॉर्मल पढ़ा था, तो सर्कल का जो नॉर्मल होता था हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करता था, ये याद रखना है। सर्कल के नॉर्मल के बारे में जो खास बात है, वो तो टेंजेंट से परपेंडिकुलर भी होता था और सेंटर से पास भी करता था। लेकिन नॉर्मल जो है पैराबोला पे ऐसा कोई उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना। और हमेशा कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये जो नॉर्मल है ना फोकस से कभी भी पास नहीं करता है, नॉर्मल फोकस से कभी भी पास नहीं करता है, ये बात याद रखना है। तो पैराबोला में हम नॉर्मल के लिए क्या याद रखेंगे कि नॉर्मल जो है टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है। अब हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल जस्ट एक लाइन है। अब लाइन का इक्वेशन डिजाइन करने के लिए सबसे मेन बात क्या होता है, हमें स्लोप पता होना चाहिए, स्लोप, ठीक है। तो अगर ये टेंजेंट, देखिए स्लोप, तो ये पॉइंट पी पे स्लोप हमें चाहिए, पॉइंट पी पे हमें स्लोप चाहिए। तो हमारा जो इक्वेशन है, जो कर्व का पैराबोला का जो इक्वेशन है, डेट इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए एक्स, ठीक है। हमें इस पॉइंट पी पे हमें स्लोप चाहिए, तो टेंजेंट का हम पहले स्लोप निकालेंगे। टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, अगर आपने डिफ्रेंसिएशन पढ़ा है फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि डीवाई बाई डी एक्स जो होता है हमारा स्लोप होता है, तो सबसे पहले हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये जगह टू आई, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू आई, ये तो स्क्वायर के अकॉर्डिंग टू आई था, लेकिन अंदर क्या है वाई है, तो वाई का अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा टू फोर ए, ठीक है ना। ये जो मेरा स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा फोर ए, तो डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा फोर ए बाई टू वाई। तो ये जो होता है हमारा एनी पॉइंट ऑन पैराबोला पे, एनी पॉइंट ऑन पैराबोला का अगर हम स्लोप देना चाहें, कोई भी पॉइंट, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही पॉइंट, ठीक है ना, ओनली पी पॉइंट ही नहीं, ठीक है। तो
80 स्क्वायर कॉमा 280 किसी भी पॉइंट का अगर हम स्लोप लेना चाहें, ठीक है ना, टेंजेंट के लिए, तो हम लिख सकते हैं 4a। अब इसमें क्या है y, तो जिस पॉइंट का आपको स्लोप चाहिए उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यहां पे रख दीजिए। x तो है नहीं यहां पे, 4a बाई 2y है, x यहां पे है नहीं, इसलिए आप x के कोऑर्डिनेट को यहां पे आप नहीं रख पाएंगे, इसलिए जगह 2 इंटू 2at, तो 2 2 2 4 कैंसिल हो गया, a a कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/t। तो टेंजेंट का स्लोप 1/t, और वैसे भी याद होना चाहिए टेंजेंट का जो इक्वेशन था ty इक्वल्स टू x प्लस ए टी स्क्वायर, याद है ना, तो हम टेंजेंट के इक्वेशन को लिखते थे y इक्वल्स टू x बाई टी प्लस ए टी, तो याद होगा ना 1/t, 1/t क्या है, ये स्लोप है, तो टेंजेंट का स्लोप है 1/t। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस टी, नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस टी। तो अब हम इस नॉर्मल का स्लोप है मेरे पास और ये नॉर्मल 80 स्क्वायर 280 से पास कर रहा है, तो हमारे पास एक पॉइंट भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म हम इक्वेशन लिख सकते हैं, तो लिख देंगे y माइनस 280 डिवाइडेड बाई x माइनस 80 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टी। तो हम इसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू माइनस टी एक्स प्लस 80 क्यूब, ठीक है ना, और ये माइनस 280 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 280। तो हम इसे लिख सकते हैं y प्लस टी एक्स इक्वल्स टू 280 प्लस 80 क्यूब, ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। तो इसे हम कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म, क्योंकि हमारा जो पॉइंट जो गिवन था पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन था, ठीक है ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना, तो पॉइंट फॉर्म में यहां पे आपको छोटा सा बता देता हूं, ठीक है। तो पॉइंट फॉर्म में मान लेते हैं ये जो पॉइंट है 80 स्क्वायर 280, ये पॉइंट गिवन था x1 कॉमा y1, तो पॉइंट तो गिवन है, अब हमें स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, स्लोप भी हमें यहीं से मिलेगा। ये क्या है, यहां पे स्लोप हमने 80 स्क्वायर और 280 पे हमने फाइंड किया था, ठीक है ना, टेंजेंट का स्लोप हमने 80 स्क्वायर और 280 पे हमने फाइंड किया था, बट पॉइंट जब पैरामेट्रिक फॉर्म था तो 80 स्क्वायर 280 पे फाइंड किया था, लेकिन जब पॉइंट x1 और y1 होगा तो हम x1 और y1 को यूज करके हम स्लोप फाइंड करेंगे। तो ये जो मेरा dy by dx यहां से हो जाएगा dy by dx एट पॉइंट x1 कॉमा y1, ये ना एट पॉइंट x1 कॉमा y1 जो हो जाएगा, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2a, तो 2a by y1, ठीक है ना। तो ये स्लोप किसका हुआ, ये स्लोप हुआ टेंजेंट का, टेंजेंट का स्लोप हुआ। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स और माइनस में, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ जो नॉर्मल हो जाएगा एट पॉइंट, पॉइंट फॉर्म स्लोप जो हो जाएगा माइनस y1 बाई 2a, क्यों, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, माइनस वन होना चाहिए। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, y1 से y1 कट जाएगा, 2a से 2a कट जाएगा और बच जाएगा माइनस वन। तो अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इक्वल्स टू, ठीक है ना, माइनस y1 डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पॉइंट फॉर्म, क्या हो गया, ये हमारा पॉइंट फॉर्म हो गया, और ये था हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे
नेक्स्ट जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे स्लोप फॉर्म। ठीक है, ये तो पॉइंट जब दिया हो एक्स वन वाई वन पॉइंट दिया हो तो ये इक्वेशन लिखेंगे। अगर पैरामेट्रिक में दिया हो, क्योंकि हम पैराबोला में हमेशा जो पॉइंट लेते हैं टेंजेंट के लिए हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लेते हैं ना, हमेशा पैरामेट्रिक फॉर्म, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब अगर नॉर्मल का हमें स्लोप दिया हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे नॉर्मल का इक्वेशन, अब हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्लोप फॉर्म पढ़ रहे हैं। देखिए अभी तक हमने दो फॉर्म पढ़ लिया है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म। स्लोप फॉर्म में क्या होगा, स्लोप गिवेन होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम अब पैरामेट्रिक फॉर्म को ही मैं स्लोप फॉर्म में चेंज कर दे रहा हूं। ठीक है ना, हमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म को हम स्लोप फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं। देखिए क्या हो गया कि अगर हम इसे स्लोप फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में लिखते हैं ना, एम एक्स प्लस सी में लिखते हैं स्लोप फॉर्म, याद होगा आपको। तो हम क्या करते हैं, इसे y इक्वल्स टू प्लस टी एक्स को मैं उधर ले जाता हूं, माइनस टी एक्स प्लस टू ए टी प्लस ए टी क्यू। ठीक है, ऐसा आ गया। अब हमें देखिए y और y मैच हो गया, x का कोफिशियंट क्या है यहां पे, माइनस टी, और यहां पे x का कोफिशियंट क्या है, m। अगर हम m इक्वल्स टू माइनस टी ले लें, क्योंकि x का कोफिशियंट y इक्वल्स टू समथिंग फॉर्मेट में, y इक्वल्स टू कुछ भी फॉर्मेट हो, जैसे y इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स प्लस टू, y इक्वल्स टू वन बाई थ्री एक्स प्लस वन बाई टू, कुछ भी हो, स्लोप क्या होगा, x का कोफिशियंट होगा। तो इस इक्वेशन में स्लोप क्या है, x का कोफिशियंट, दैट इज माइनस टी। तो माइनस टी को अगर हम m ले लें तो हमारा स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा m x माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन, स्लोप फॉर्म। ठीक है, ये सबसे इतना हमें जानना था। तो याद रखिए हमारे पास तीन, ज्यादातर जहां पे आपसे कंडीशंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना, प्रूफ करने को जहां से पूछा जाएगा, जहां पे आपको रिजल्ट्स पूछे जाएंगे, जहां पे भी आप बुक्स के रिजल्ट को पढ़िएगा, वहां पे आपको पैरामेट्रिक फॉर्म यूज में आएगा। ठीक है ना, बट अगर पॉइंट वगैरह पता है तो आप स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हैं, पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए। ठीक है ना, बट जनरली आप याद रखिएगा कि हम पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज करें कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वहां से इजी होंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। अब हम लोग नॉर्मल पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एंड ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए एक्स। ये एक पैराबोला है और इसके लैटिस रेक्टम पे हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। एक्चुअली नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल्स है। ठीक है, नॉर्मल्स इसीलिए क्योंकि लैटिस रेक्टम का दो इंड होना है, तो दोनों जगह पे हमें फाइंड करना है ना, दोनों जगह पे हमें नॉर्मल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एक से ज्यादा नॉर्मल, तो ये नॉर्मल्स। ठीक है, तो कभी भी आपको क्वेश्चंस में नॉर्मल्स वगैरह दिया हो तो याद रखना कि वो एक से ज्यादा नॉर्मल्स की बातें कर रहा है। वो टेंजेंट्स दिया हो तो एक से ज्यादा टेंजेंट की बातें कर रहा है वो। ठीक है, तो वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा कि कहां पे क्या बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग यहां से हम लोग ये दो टेंजेंट मान लेते हैं लैटिस रेक्टम पे, ये दो मेरा टेंजेंट है ना, तो टी वन और ये मान लेते हैं टी टू। तो लैटिस रेक्टम का जो एंड पॉइंट होता है वो तो आपको पता होगा ए कॉमा टू ए, और होता है ए कॉमा माइनस टू ए। ठीक है, तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म कैसा भी फॉर्म लिख सकते हैं आपको याद हो तो। ठीक है, तो आप वैसे आप स्लोप फॉर्म भी लिख सकते हैं। स्लोप फॉर्म में याद होगा अभी अभी हमने पढ़ा है
कि dy बाई डी एक्स पॉइंट फॉर्म में अगर आप लिखे, स्लोप निकालना है हमें, dy बाई डी एक्स जो हो जाता है ये होता है माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई टू ए, ये होता है नॉर्मल का स्लोप, और टेंजेंट का स्लोप होता था 2a बाई वाई वन, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये था हमारा टेंजेंट का स्लोप और ये है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो वाई वन कौन सा पॉइंट है, 2a है, तो हम लिख देंगे माइनस 2a बाई 2a, और ये आपको दे देगा माइनस वन। ठीक है, तो हमें नॉर्मल का स्लोप आ गया माइनस वन, और हमें पॉइंट तो पता है ए एंड 2a, तो हम इसे लिख देंगे y माइनस 2a डिवाइडेड बाई x माइनस a इक्वल्स टू वन, माइनस वन, सॉरी माइनस वन, और इसे हम लिख सकते हैं y माइनस 2a इक्वल्स टू माइनस x प्लस a, तो x माइनस x उधर जाएगा प्लस x हो जाएगा, देन y प्लस x माइनस 3a इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया हमारा पहला नॉर्मल का इक्वेशन। दूसरा नॉर्मल का इक्वेशन सेम होगा, दूसरा नॉर्मल में पहले हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, सेम वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पॉइंट पता है। आपको तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इक्वेशन पॉइंट फॉर्म से निकालूं या फिर स्लोप फॉर्म से निकालूं या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म से निकालूं। यहाँ पे पैरामीटर नहीं थे टी, इसलिए हमने पैरामेट्रिक फॉर्म यूज नहीं किया। ए जो था एक वैल्यू है, और ए है क्या, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, इसलिए हमने ए को ही, ए क्या आ गया, पॉइंट आ गया, पैरामीटर नहीं है ना, ये कांस्टेंट होगा ए, इसलिए पॉइंट है, इसलिए मैं पॉइंट फॉर्म को यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो हम एन वन अगर हम बात करें, नॉर्मल वन था, अब हम एन टू ना डी वाई बाई डी एक्स अगर हम एन टू का निकालें तो माइनस वाई वन बाई टू है, माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई टू ए, तो वाई वन कौन सा पॉइंट है, माइनस टू ए, टू ए, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस टू ए डिवाइडेड बाई टू ए, क्या हो गया यहाँ पे वन, तो डी वाई बाई डी एक्स वन हो गया, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वाई प्लस टू ए बाई एक्स माइनस ए इक्वल्स टू वन। ठीक है, और हम इसके लिए इक्वेशन हम लिख सकते हैं वाई प्लस टू ए इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, और ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू थ्री ए, और ये हो गया हमारा सेकेंड दो नॉर्मल का इक्वेशन, और वो दोनों इंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम पे। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सॉरी, यहाँ पे जो साइन जो होना चाहिए था वो माइनस थ्री होना चाहिए ना, और ये हो गया हमारा नॉर्मल सेकेंड नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, इफ दिस 2x प्लस वाई प्लस के इज नॉर्मल टू पैराबोला दिस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एट एक्स देन वैल्यू ऑफ के। तो हमारा जो नॉर्मल का इक्वेशन गिवेन है वो है वाई प्लस के इक्वल्स टू जीरो। ये नॉर्मल का इक्वेशन गिवेन है, मतलब ये लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन गिवेन है। ठीक है ना, और जो पैराबोला है वो है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एट एक्स। ठीक है, तो इस पे हमें डिस्कशन करना है। ठीक है ना, तो जरा देखिए कि ये जो लाइन है क्या है, हमारा नॉर्मल है इस पैराबोला पे। ठीक है, तो इस पैराबोला पे अगर हम मेरा इक्वेशन जो था अगर हम उसे लिखना चाहें, ठीक है ना, तो अभी अभी हमने इसके पहले नॉर्मल्स में हमने जो पढ़ा था वह था कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए एक्स होता है। ठीक है ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए एक्स होता है। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन होता है वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू। ठीक है, इसके लिए नॉर्मल का इक्वेशन ये होता है। लेकिन वहीं अगर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर ए एक्स हो
तो जैसे मैंने वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के लिए ये डिराइव किया है, वैसे ही आप सेम टू सेम सिमिलर स्टेप्स होंगे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x के लिए आप डिराइव कर सकते हैं। जब आप करेंगे तो आपको इक्वेशन आएगा वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 2am प्लस am क्यूब, ये आएगा नॉर्मल का इक्वेशन, ठीक है ना। अब हम इसको चेक करेंगे ना, इसमें k का वैल्यू फाइंड करना है। नॉर्मल के इक्वेशन के लिए आपको पता है, एक तो आपको m की जरूरत पड़ती है और एक a की वैल्यू, एक a का जरूरत पड़ेगा और एक m का पड़ेगा। m क्या है, हमारा स्लोप है, x का कोफिशियंट होता है, और a क्या होता है, हमारा डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, ठीक है ना। तो यहां से हमें a मिलेगा और a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, और स्लोप हमें यहां से मिलेगा। तो y को हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू -2x माइनस के, यही वो नॉर्मल का इक्वेशन है जो ये है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो ये दोनों सिमिलर है, तो x का कोफिशियंट अगर हम मेरा स्लोप है तो m आ जाएगा हमारा -2 और a आ गया हमारा 2। तो माइनस के क्या है, ये जितने टर्म बचे हैं सब क्या है, माइनस के। तो हम लिख सकते हैं माइनस के इक्वल्स टू 2am प्लस am क्यूब, और m आपको पता है 2 पता है, तो हम लिख सकते हैं माइनस के इक्वल्स टू a इंटू एम, क्या हो गया -4, -4 इंटू 2 -8, और m क्यूब इसका निकालेंगे -16, तो k आ जाएगा हमारे पास 24, जो कि हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने दो नॉर्मल के क्वेश्चंस को हमने पढ़े हैं, दोनों नॉर्मल के क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, कब कहाँ पे क्या यूज़ किया जा रहा है ना, कॉन्सेप्ट्स पे एकदम चलना है, ठीक है। हम पहले कौन सा नॉर्मल का इक्वेशन यूज़ करूँ, या फिर क्या इसमें क्वेश्चंस में हमें पूछा गया है, ठीक है ना। तो हमने तीन पढ़ा है, पैरामेट्रिक फॉर्म, पॉइंट फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म। इसमें हमें स्लोप फॉर्म यूज़ करने थे, ठीक है। इसके पहले वाले में हमें पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ करने थे या फिर पॉइंट फॉर्म यूज़ करने थे, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, या फिर नेक्स्ट टॉपिक जो भी हो उस पे चलेंगे। और ये कहता है इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल, टू नॉर्मल के इंटरसेक्शन के बारे में हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो क्या है ना, ये हम लोग ये रिजल्ट हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, बहुत जल्दी आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। मान लेते हैं ये एक नॉर्मल है और ये एक पॉइंट है, इस पे कि ये नॉर्मल है, और दोनों नॉर्मल एक पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये एक्स वन पॉइंट मान लो और इसे वाई वन पॉइंट मान लो, इसे पी मान लो, डेट इज ए टी वन का स्क्वायर एंड 2a t1, इस पॉइंट को क्यू मान लो और इसे लिख दो ए टी टू का स्क्वायर कॉमा 2a t2। याद होगा दो टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन मैंने आपको डायरेक्ट याद करवाया था, वो था a t1 t2 एंड a टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2। याद होगा ना, जब दो पॉइंट p और q पे और कोई टेंजेंट ऐसे जाए और यहाँ पे ऐसे टेंजेंट जा रहा है क्यू पॉइंट पे, तो दोनों जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। अगर ये दोनों नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल है, ठीक है ना, दोनों नॉर्मल एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करें, ठीक है ना, तो ये पॉइंट हमें बताना है, एक्स वन वाई वन बताना है। तो नॉर्मल एट पॉइंट पी हम लिख सकते हैं वाई प्लस टी वन एक्स इक्वल्स टू 2a t1 प्लस a t1 क्यूब, और q पे हम नॉर्मल लिख सकते हैं y प्लस t2x इक्वल्स टू 2a t2 प्लस a t2 क्यूब, ठीक है ना। अगर आप इसे जब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो आपको जो मिलेगा वो मैं रिजल्ट जो है ना मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप सॉल्व करके चेक कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो आप माइनस कर दे दोनों को, ठीक है ना, माइनस कर दे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, t
t1 माइनस t2 आ जाएगा, और यहां से आपको x का कैलकुलेशन आ जाएगा। देखिए यहां पे x कॉमन निकाल लेना आप, ठीक है, तो यह आ जाएगा t1 माइनस t2 इक्वल्स टू, इस दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 2a कॉमन आ जाएगा और आ जाएगा t1 माइनस t2, और इस दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस a टाइम्स t1 क्यूब माइनस t2 क्यूब, ठीक है ना। इसे फर्दर सॉल्व करें, अगर हम इसे हम एक्सपेंड करें, इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि होने क्या वाला है। तो t1 क्यूब माइनस t2 क्यूब हो जाएगा, a तो मैं डायरेक्ट ऐसा a का a लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो जाएगा t1 माइनस t2 इंटू t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर प्लस t1 t2, ये हो गया। तो यहां से t1 माइनस t2, यहां से t1 माइनस t2, यहां से t1 माइनस t2 कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपको देगा x इक्वल्स टू 2a प्लस a टाइम्स t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर प्लस t1 t2, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला x का वैल्यू है, जो ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दो नॉर्मल जहां पे इंटरसेक्ट करे तो उसका x कोऑर्डिनेट ऐसे, तो ये हम डायरेक्ट याद रखेंगे। अब हम इस x के वैल्यू को, ठीक है, मेरा जो x का वैल्यू है, इसे मैं किसी भी दोनों में से कोई भी इक्वेशन में मैं अगर रख दूं x के जगह पे, तो हमें जो y जो मिलेगा वो मिलेगा, ये जो मिलेगा, ये मिलेगा हमें y जो मिलेगा माइनस ए t1 t2 ब्रैकेट में t1 प्लस t2, ठीक है ना। ये मिल गया हमें इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल्स। तो हम बिल्कुल याद रखेंगे ना, ये आपको फास्ट कैलकुलेशन देगा, ठीक है, ये आपको थोड़ा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेगा, तो ये हम याद रखेंगे। चलिए अब इसी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है, इफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एक्सट्रीमिटी ऑफ फोकल कॉर्ड, एक पैराबोला है और ये फोकल कॉर्ड है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों, एक्सट्रीमिटी ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला, इफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एक्सट्रीमिटी ऑफ फोकल कॉर्ड, ना एक्सट्रीमिटी मीन्स इंड पॉइंट, किसका, फोकल कॉर्ड के इंड पॉइंट पे टेंजेंट एंड नॉर्मल अगर हम दोनों बनाए, अगर ये मैंने ना टेंजेंट बना दिया, ठीक है, और यहां से मैंने ना ये थोड़ा सा गलत हो गया लाइन, कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा और पीछे एक्सटेंड कर दूँ, पीछे एक्सटेंड कर देता हूँ, और ये मैंने ना यहाँ से मैंने दो टेंजेंट बना दिया, तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट एट x1 y1, x1 y1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है कौन, टेंजेंट, तो ये हो गया x1 कॉमा y1, ठीक है। और इसी एक्सट्रीमिटी पे अगर हम दो नॉर्मल बनाए तो वो पॉइंट, तो वो नॉर्मल x2 कॉमा y2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको बताना है कि x1 y2 के इक्वल होगा, या फिर x1 x2 के इक्वल होगा, या फिर y1 y2 के इक्वल होगा, या फिर y1 x2 के इक्वल होगा, ये ना आपको बताना है। तो जब ये क्या है, ये जो P पॉइंट है और ये जो Q पॉइंट है, P पॉइंट टेंजेंट के इंटरसेक्शन से बना है, तो x1 क्या हो गया हमारा, टेंजेंट के लिए क्या हो जाता है, a t1 t2, और y1 क्या हो गया हमारा, a टाइम्स t1 प्लस t2, तो ये तो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग जरा नॉर्मल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आए। नॉर्मल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी हमने पढ़ा क्या था, याद हो तो 2a प्लस a टाइम्स ऐसा और ये, ठीक है, तो हम ये दोनों पॉइंट हम लिखेंगे,
ये जो हमारा एक्स टू जो हो गया, हमारा एक्स टू ये हो गया 2a + a टाइम्स t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर प्लस t1 t2। और y2 क्या हो गया हमारा, y2 हो गया हमारा -a t1 t2 टाइम्स t1 + t2। अब हमें बताना है कि ये x2 के इक्वल है या फिर y2 के इक्वल है, या फिर y1 x2 के इक्वल है या फिर y2 के इक्वल है ना। ठीक है, अब एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड के इंड पॉइंट पे बनाया गया है। अगर फोकल कॉर्ड के इंड पॉइंट पे बनाया गया है तो ये ए टी वन स्क्वायर एंड 2a t1 है, तभी तो ये सारे पॉइंट्स मिले हम। t1 t2 में कहाँ से मिला, ऐसे ही मिला। तो ये पॉइंट क्या था हमारा, a t2 का स्क्वायर कॉमा 2a t2। अगर ये फोकल कॉर्ड के इंड पॉइंट है तो हमें क्या पता है t1 * t2 क्या होता है, -1। तो जहां जहां t1 t2 है हम उसे -1 से रिप्लेस कर देंगे, तो x1 आ जाएगा हमारा -a, और y1 में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, और ये आ जाएगा a टाइम्स t1 + t2। x2 जो हो जाएगा हमारा, x2 को अगर हम चेक करें तो x2 हो जाएगा हमारा 2a + a टाइम्स t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर -1। एंड y2 जो हो जाएगा हमारा, y2 t1 t2 अगर हम -1 लिखे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +a * t1 + t2। बस फोकल कॉर्ड का एक ही प्रॉपर्टी था, t1 t2 जो होता है -1, वो हमने डाल दिया। अब हम मिलाएंगे, x1 माइनस ए है तो x2 क्या माइनस ए है, नहीं। y2 क्या माइनस ए है, नहीं। तो x1 का रिलेशन नहीं आएगा इस दोनों में से, किसी से भी नहीं आएगा। y1 क्या है, a t1 + t2, क्या x2 है, नहीं। y2 है, हाँ ठीक है ना, y2 है। y2 a t1 + t2 एंड y1 भी a t1 + t2, तो क्या हो गया हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, डेट y1 = y2। ओके,